झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार भी बोल सकते हैं, झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं, झूठ बोलो, झूठ बोलो। 2014 से पहले बड़ी थी आज तक की, आज वो टीआरपी नहीं रह गई है, आज टीआरपी केवल सरकार के विज्ञापनों के माध्यम से है। लेकिन इस बीच किसी पर भरोसा भी है, मोदी है तो भरोसा है सर। समुद्र कहाँ से ले आइएगा? बोला जा रहा है कि चूहा शराब पी गया, ये कह रहे हैं कि अलकतरा और चारा आदमी खा गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। कुछ क्रेडिट देने के लिए ऐसे पत्रकारों को जिनको अब तक पीठ पत्रकारिता का उदाहरण देकर के प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, ये वही पत्रकार हैं जिनके नाम शामिल है गोदी मीडिया में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं अपने प्रदेश के लिए, उनकी आत्माएं और अपने जन्म स्थान के लिए अपनी आत्माएं जुड़ जाती हैं, जो अंदर से धिक्कारती हैं कि सवाल तो पूछे। आज जब वो सवाल पूछती हैं तो उन सारे नेताओं को एक तरह से क्लास टीचर की तरह क्लास ले लेती हैं। अंजनाम कश्यप की बात कर रहा हूं। अंजनाम कश्यप कभी कभी जब उनकी आत्मा जागती है, उन्होंने पहले भी किया, जब उनकी आत्मा जागती है तो वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े इंसान नहीं कर पाते या बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाते। इतना असर उनकी बात का आता है। हालांकि मैं बता दूं कि टीआरपी आज तक की जितनी 2014 से पहले बड़ी थी आज तक की, आज वो टीआरपी नहीं रह गई है, आज टीआरपी केवल सरकार के विज्ञापनों के माध्यम से है। लेकिन इस बीच किसी पत्रकार की जब आत्मा जाग जाती है, जब उसको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, जब वो सवाल पूछने लगता है, और सवाल जब पूछने लगता है तो सवालों में सवाल उठाते हैं, और किस तरह से उनकी ये डिबेट है, क्रेडिट मैं दूंगा आज तक को, क्रेडिट दूंगा अंजनम को, कश्यप को, ये बहस देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बहस में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अंजनम कश्यप ने सीधे से सत्ता की धुरियां उड़ा दी। इन धुरियों को उड़ता हुआ देखिए, उन धुरियों से पैदा हुई आंधी को देखिए जो बिहार चुनावों में चल रही है। अब इसको भी ना देखा तो फिर क्या देखा, ये भी ना देखोगे तो फिर क्या देखोगे। अंजना ओम कश्यप को भूल जाइए। जब अंजना ओम कश्यप अपनी फॉर्म में आती हैं तो बता देती हैं कि वो सवाल पूछने का दम सत्ता से भी रखती हैं, उन नेताओं से भी रखती हैं जो झूठे वादे करते हैं। ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए दोस्तों दो दिन पहले तैयार किया था, लेकिन अभी हम डाल रहे हैं ये वीडियो आज रात। मैं आपको बता दूं, आज रात 10 बजे तक वीडियो डालते रहेंगे, और आपको जो वीडियो पसंद आए उनको शेयर करना मत भूलिएगा। अंजनम कश्यप का ये वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जब ऐसे पत्रकार जब सच्चाई की बात करते हैं तो उनको थम्स अप करना चाहिए। खबरें बहुत हैं, अगली खबर मैं लेके आऊंगा ठीक 7 बजे, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, शेयर करना मत भूलिएगा। बीजेपी में मोदी है तो मुमकिन है, समुद्र लाइएगा। जब तक 15 साल पुरानी बात करते रहिए, डराते रहिएगा, लालू राज से डरो, लालू राज से डरो। अभी तो आपसे हिसाब लिया जाएगा ना, आपसे हिसाब पूछा जाएगा। चिराग पासवान ने कह दिया कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, आप लोग डर गए, लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए नीतीश बाबू का। आपने माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू नहीं देखा, आपने मुझे लग रहा है हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का इंटरव्यू नहीं देखा। 10 साल से जो विधायक है, मैं ये कह रहा हूँ उसके उसके कंस्टिट्यूएंसी में कार्यकर्ताओं का ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब आपको प्रयोजित लगेगा। 15 साल पुराना कब तक कोसते रहिएगा लालू राज को? लालू राज में ये नहीं हुआ, लालू राज में वो हुआ, लालू राज जंगल राज। ये गुस्सा जो है, ये तो कहीं आपको भी भारी। बीजेपी में मोदी है तो मुमकिन है, समुद्र लाइएगा। भरोसा भी है, भरोसा भी है, मोदी है तो भरोसा है सर। समुद्र कहाँ से ले आइएगा? बोला जा रहा है कि चूहा शराब पी गया, ये कह रहे हैं कि अलकतरा और चारा आदमी खा गया। मैं भी जनता की तरफ से एक सवाल राजीव जी से पूछना चाहती हूँ। राजीव जी एक बार बता दीजिए, लोग याद करना चाहेंगे, नीतीश जी पिछले 4 साल में कहाँ कहाँ कितनी बार इधर उधर गए, थोड़े हल्ला कर दिया, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, हर जगह पर विरोध हो रहा है। तो इस पर तो लालू जी के चारा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोड हम ही बनाएंगे, रोड हम ही बनाएंगे। ये दिन रात सुबह शाम उठते हैं तो बोलते हैं कि लालू राबड़ी तेज तेजस्वी, कभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि महाराष्ट्र में बिहारी को मारा गया। हम बिहारी महाराष्ट्र क्यों जाते हैं? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए हमें बिहार से प्लान क्यों होना पड़ता है?
15 साल में आप बिहार को इस कदर क्यों लिया है कि हमको कुछ भी व्यवस्था के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बहुत अच्छा। मित्र आप बात तो सही कही है। निश्चित तौर पे हम जवाब देंगे। चिराग पासवान ने कह दिया कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। आप लोग डर गए, लड़ाई ना हो जाए नीतीश बाबू का। आपने माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू नहीं देखा, आपने मुझे लग रहा है हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का इंटरव्यू नहीं देखा। आरजेडी अगर जीतेगी तो कश्मीर बन जाएगा बिहार। नेपाल आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा है ना बिहार में। मेरी बात तो सुन लीजिए। बेरोजगारी सारे आतंकी यहाँ आकर पनाह ले लेंगे। जब तक 15 साल पुरानी बात करते रहिए, डराते रहिएगा। लालू राज से डरो, लालू राज से डरो। अभी तो आपसे हिसाब लिया जाएगा ना, आपसे हिसाब पूछा जाएगा। मैं नक्सल राज से डरने की बात कर रहा हूँ। 15 साल से सत्ता में मेरा सवाल जी, मैं भी जनता की तरफ से एक सवाल राजीव जी से पूछना चाहती हूँ। राजीव जी एक बार बता दीजिए, लोग याद करना चाहेंगे, नीतीश जी पिछले 4 साल में कहाँ कहाँ कितनी बार इधर उधर गए। नीतीश कुमार जी तो और क्यों गए हैं? दो दशक हक है ना इनको पूछने का। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आपको बीजेपी बहुत अच्छी लगे फिर कल गाली दीजिए। फिर मेरा जवाब तो सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने 2 दशकों में एक बार एनडीए से बाहर आने का काम किया। चाहे यहाँ के माले के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, लोजपा के लोग हों, इन सबों ने एक दूसरे के साथ अनेकों बार रिश्ता बनाया और तोड़ा। फिर नीतीश कुमार जी पर आप ये सवाल क्यों खड़े करते हैं? और सही जवाब दिया संजय मयूख ने। अगर आपको जनादेश का अर्थ अगर आपको ये लगता है कि आपको परिवार और परस्ती के लिए छुपाने लगे, आप बताइए लोकसभा वाला कैसे चलेगा? सर गोल मत कीजिए। मैं एक बात, आप पिछला चुनाव कैसे लड़े थे? इतना ही नहीं, अंजुना ने समस्तीपुर का वो वीडियो भी चलाया जहां वोट मांगने आए नीतीश के मंत्री तो लोगों ने खदेड़ दिया। पूछा गांव में कैसे घुस आए? 10 साल से विधायक हैं आपके। ये राजद के प्रायोजित कार्यक्रम को लेकर के बिहार के विकास पर सवाल नहीं खड़े हो सकते। अगर राजद को हिम्मत है तो अपने 15 वर्षों की कोई एक उपलब्धि बता दे। मैंने अनेक उपलब्धियां बताई, ये बताए कि इनके 15 वर्षों में क्या बता देते हैं, बता दे। जो उद्योग लगे थे, जो विधायक है, मैं ये कह रहा हूँ उसके कंस्टिट्यूएंसी में कार्यकर्ताओं का प्रायोजित कार्यक्रम है। सब आपको प्रायोजित लगेगा, सब जगह खदेड़ा है, सब जगह इनके मंत्री विधायक ने खदेड़ा जा रहा है। जनता के गुस्से का प्रकटीकरण है। कल का जो बिहार था और आज के बिहार में आपको फर्क नहीं दिखता है? हो सकता है बहुत कुछ खतरा जरूरी हो, वहाँ खुद ही मार्जिन दे रहे, खुद ही देखा। अगर हमारे पास समस्तीपुर की तस्वीरें हैं तो जरा कांग्रेस और आरजेडी, आपके एक मंत्री जी का लोगों ने आज पीछा कर दिया है, एक बार चलाइए जरा दिखाइए, दिखाइए ठीक से जनता। समस्तीपुर, एक सेकंड, महेश्वर हजारी मंत्री है राजीव जी की पार्टी की सरकार में, दिखा दीजिए। समस्तीपुर गए थे, क्या हुआ है जरा देखिए स्क्रीन पर। 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब दीजिए, इधर आइए ना, नहीं होता। अभी आप आइए, आर के जाइए, कोई जरूरी नहीं है, जाइए बता के बताइए। क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि कई, जैसे हमने समस्तीपुर का वीडियो दिखाया, कई जगहों पर गुस्सा और आक्रोश हो सकता है मौजूदा सरकार पे? 15 साल पुराना कब तक कोसते रहिएगा लालू राज को? लालू राज में ये नहीं हुआ, लालू राज में वो हुआ, लालू राज जंगल राज। अपना बताइए, आप क्या किए? मैं बोल रहा हूँ अपना, लोगों ने जो किया वो बताया। ये गुस्सा जो है क्या किया ये तो बताइए आपको।